हम आज चराग्रगण्य पुरुषा अष्टक इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो ये किसने लिखा है, किसी को बताएं? बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। हाँ, थैंक यू। बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने इसको लिखा है, है ना। तो इसमें इसको समझने से पहले हम थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या? नहीं नहीं, केरला। तो थोड़ा हम इस पर भी चर्चा करेंगे, नहीं तो सिर्फ फिलॉसफी रह जाएगी, तो कथा भी थोड़ी कर लेंगे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, और इनका जन्म केरल के त्रिशूर नामक जगह में हुआ था, है ना, त्रिशूर। तो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार के थे, बचपन से इनको सब अच्छा ही सिखाया गया था, माता पिता भक्त थे, सब अच्छा था। लेकिन कैसे भी करके इनकी दिशा कुछ अलग थी। किसकी? हाँ बोलना है ना, मेरे को लगेगा सब लोग, ये तो कथा है फिलॉसफी में। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बचपन से इनका जैसे जैसे और यौवन अवस्था में आए तो इनका विचार कुछ और ही थे, है ना। क्या था कि ये गलत कामों में ज़्यादा रहते थे, इवन दो इनका फैमिली ऐसा नहीं था, लेकिन अभी अच्छा, हाँ अभी ठीक है ना। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ये एक्चुअली में वैश्याओं के इर्द गिर्द घूमना, उनके संग करना, ये इनका काम था, है ना। तो इतना ज़्यादा ये वैश्याओं के चक्कर में रहते थे कि इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना, है ना। और उन्हीं बहुत सारी वैश्याओं में एक बहुत मेन वैश्या थी जिसके पीछे ये बहुत जाते थे, जिसके पास, उसका नाम था चिंतामणि। क्या नाम था? चिंतामणि। तो चिंतामणि को बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनके इनके पिता का देहांत हो गया, तो जो लास्ट राइट्स होते हैं ना, अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार के समय भी ये थोड़ी देर वहाँ रुक, थोड़ी देर भी नहीं रुकना चाहते थे, ये तो पहले जाने नहीं चाहते थे अंतिम संस्कार में, तो किसी ने बोला अरे पिता हैं अंतिम संस्कार में, तो तुम बेटे हो, तुम्हें ही करना है। तो बोला अरे अब क्या करेंगे, तो वैसे ही मर गए, मैं अपना काम क्यों खराब करूँगा, है ना। नहीं नहीं, तुमको रहना पड़ेगा। तो वो कैसे भी करके वहाँ था, और उसको हमेशा यही चिंता हो रही थी कि कब जाऊँ कब जाऊँ। तो कैसे भी करके वो फिर जब देर हो रही थी तो छोड़ के चले गए, और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, है ना। और इतना तेज़ बारिश था कि सारी नदियाँ अपने फुल तूफान पे थीं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर को इतनी ज़्यादा बारिश में भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ये उस वैश्या के घर की तरफ चल दिए रात को। बहुत ज़्यादा रात थी और बारिश हो रहा था, तूफान हवा सब, लेकिन ये व्यक्ति पूरा डिटरमाइन था ना। ये जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ी, नदी में बाढ़ थी। अब इसने कहा मैं तैर के कैसे जाऊंगा, इतनी बाढ़ है नदी में, इतना तेज प्रवाह है, कोई नाव नहीं कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा इधर तो देखा तो उधर कुछ ना लकड़ी सा ऐसे कुछ तैर रहा था नदी में, ऐसे फ्लोट हो रहा था। तो उसने सोचा कि ये सही है ना। तो ये एक्चुअली में वो क्या था, डेड बॉडी, एक डेड बॉडी। वो डेड बॉडी नदी में फ्लोट कर रही थी, और इसने सोच, इसको कुछ नहीं दिख रहा है, इन्होंने उस डेड बॉडी को ही नाव जैसे यूज़ करके और नदी की उस तरफ जाए, और फिर ये जाते गए, और फिर जो चिंतामणि घर तक पहुंच गया। चिंतामणि का घर ना फोर स्टोरी बिल्डिंग था, और फोर्थ फ्लोर पर रहती थी। तो अब बारिश थी उस दिन, इतनी घोर बारिश थी, अंधेरा था, तूफान था, बाढ़ आई हुई थी। तो चिंतामणि को लगा होगा आज कौन आएगा, और चिंतामणि को पता रहता था कि बिल्वा मंगल आएंगे, लेकिन तो आज थोड़ी आएगा, आज तो इतना तूफान है, आज तो कोई नहीं आ सकता, घर से कोई नहीं निकल रहा। तो गेट वेट सब बंद थे, तो इतनी बारिश, आवाज़ नहीं जा रही, कुछ नहीं। तो इसने क्या किया, ये घर पर चढ़ गया, चार स्टोरी। अब चार स्टोरी अंदर कैसे जाए, तो जो खिड़की थी तो उस खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी लंबी सी,
तो इसने उस रस्सी को पकड़ के और अंदर कूद गया खिड़की तोड़ के, है ना। तो जैसे ही अंदर गया तो डायरेक्ट चिंतामणि कमरे में पहुंच गया। तो चिंतामणि बोली, अरे तुम कैसे आ गए इतनी तूफान में, इतनी रात को कैसे कैसे आ गए और एंट्री कैसे किया? तो बोला, अरे तुमने ही तो मेरे लिए रस्सी लटकाई हुई थी, है ना, तो मैं आ गया। तो चिंतामणि, मैंने कब रस्सी लटकाई भाई? तो बाहर जाके उसने देखा, खिड़की खोली तो ना वहाँ लंबा सा कोबरा सांप लटक रहा था, है ना। उसको ये भी नहीं पता कि ये क्या है। हाँ चेतन चिंतामणि है ना, तो उसको पता नहीं ये क्या है, वो तो बस एक ही चीज उसको दिख रही है, है ना। उत्तिष्ट जागृत प्राप्त, उठो जागो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, सो कुछ नहीं दिख रहा। तो चिंतामणि को ना थोड़ा शॉक लगा। चिंतामणि ने कहा कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, उसने कहा कि इतना डेडिकेशन जो तुम दिखा रहे हो इस मटेरियल बॉडी के लिए, इस भौतिक शरीर के लिए, जो कि नश्वर है, जो कि एक दिन ये सुंदरता रहेगी नहीं, है ना, ये सुंदरता नहीं रहने वाली एक दिन, और इसके लिए, इस क्षणिक सुख के लिए तुम इतना डेडिकेशन, इतना दृढ़ निश्चय, उत्साह इतना तुमने दिखाया कि आंधी तूफान में, नदी में, फिर बताया उसने कि नदी तो ये सर्प तो कुछ नहीं, मैं नदी डेड बॉडी को क्रॉस करके आया, डेड बॉडी को पकड़ के, तो तुम इतना कर सकते हो किसके लिए? ये डेड बॉडी नश्वर शरीर है, कितने दिन रहेगा किसी को नहीं पता। अगर इतना डेडिकेशन कृष्ण के लिए दिखा दो तो तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस उसको ये बात लग गई और उसने वहीं से यू टर्न मारा, कहाँ जाऊंगा? वृंदावन। तो वो पहले गया एक ऋषि, एक उनके उन्होंने गुरु बनाया जिनका नाम था सोमगिरी, है ना। तो सोमगिरी के पास गए, उन्होंने वहाँ पे सीखा, उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उनका नाम पड़ा लीला शुक। लीला शुक का मतलब ऐसा तोता जो लीलाओं में आनंद लेता है, भगवान कृष्ण की लीला, उनका नाम पड़ा लीला शुक, है ना। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपना दीक्षा होने के बाद इन्होंने कहा अब मैं जाऊँगा वृंदावन। वृंदावन जा रहे थे, अब तो पूरा वैसे ही सन्यासी का वेश था और वैसे ही साधु के वेश में अपना वृंदावन की तरफ जा रहे थे। तो एक दिन रात को कहीं रुके होंगे और सुबह नदी किनारे गए होंगे अपना नहाने वहाने, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियाँ वहाँ पानी भरने आई हुई थी नदी में, है ना, स्नान करने, पानी भरने। तो इन्होंने, उनमें से एक स्त्री बहुत सुंदर थी और उसने अपना बाल वाल ऐसे सब गीला करके ऐसे खोला हुआ था, तो इसको ना फिर से वो आकर्षण पैदा हो गया और ये उन वो स्त्री को समझ में आ गया। जनरली स्त्रियों को भगवान ने ये चेतना दी है ना कि उनको समझ में आ जाता है, तो उसको समझ में आया। तो वो अपना जल्दी से वहाँ से, उसको लगा कैसा साधु है भाई, है ना, उस समय साधुओं का अच्छा इमेज था, है ना। तो वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चली है और ये उनको फॉलो कर रहे, और वो जितना उसको लगा कि फॉलो कर रहे तो और तेज तेज, तो ये भी और तेज तेज उसके घर तक पहुंच गए। तो वो अपने घर के अंदर गई, गेट बंद कर लिया, थोड़ी देर में ये पहुँच के इन्होंने नॉक कर दिया। तो उन्होंने जैसे ही नॉक किया ना, तो उसने तो पहले ही जाके अपने हस्बैंड को बता दिया कि ऐसे ऐसे एक साधु मेरे पीछे पड़ा हुआ है और खोलना नहीं है। तो वो भी उस समय जनरली सभी लोग वैष्णव होते थे ज़्यादातर, है ना, और धर्म तो सबको पता ही रहता था थोड़ा बहुत। तो उनके जो पति थे वो बहुत ही धार्मिक थे, अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने कहा जो हमारे घर पर आया है गेट पर वो हमारा अतिथि है और उसका हमें सत्कार करना जरूरी है, ये हमारा धर्म है, हम बाद में देखेंगे कि उनका क्या है। तो उन्होंने गेट खोला, उनको अंदर बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे पूछा
कि महाम आप क्या चाहते हैं, आपकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो बिल्वा मंगल में ठाकुर ने कहा कि हम आपके पत्नी के साथ एक साथ रहना चाहते हैं, ओनली यू, आपके पत्नी और मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर थोड़ा चर्चा करके आपको बताएंगे। तो उन्होंने अपने पत्नी से बात किया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा धर्म है जो मेरा पति बोले। तो उनके पति ने कहा कि अब अतिथि आया तो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो लोग एक्सेप्ट किए और उनको ऊपर जो कमरा था उसमें उनकी पत्नी थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप घर चल जाओ। तो बिल्वा मंगल अंदर जाने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि मुझे आपके जो ये जो बालों में लगाते हैं ना माता है हेयर पिन, वो चाहिए। तो उनका हेयर पिन क्यों चाहिए इसको, तो उन्होंने हेयर पिन निकाल दे दिए। तो उस स्त्री के सामने इन्होंने वो दोनों हेयर पिन से दोनों अपनी आँखें खोल ली। तो वो डर गई, आवाज़ आई तो सब लोग आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बिल्वा मंगल ने कहा कि मैं पहले ही इसको भुगत चुका हूँ, कैसे करके तो मैं वृंदावन के रास्ते पे जा रहा था, फिर से मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, फिर से मेरी आंखें मुझे भौतिक जगत में फंसा रही हैं, है ना। और सारा दो जो गड़बड़ करने वाला कौन है, मैं इस घर पे ट्राई नहीं करना है। तो सारा गड़बड़ करने वाला क्या है, ये आँखें मुझे इस भौतिक संसार की झूठे सुंदरता को दिखा के भ्रमित करती हैं, भगवान की रास्ते से अलग करती हैं, इसलिए ना तो आँखें रहेंगी ना मैं भटकूँगा। और फिर वो वृंदावन की तरफ चले गए। तो उनकी इतनी दृढ़ निश्चय था, कैसे भी करके तो वो वृंदावन पहुँच गए। तो वृंदावन पहुँचने से पहले उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, मिल नहीं रहा था वृंदावन, आँखें तो वैसे नहीं थी और GPS भी नहीं था, है ना। तो कैसे पहुँचे वृंदावन, तो उन्होंने बहुत करुणा से कृष्ण को याद किया, है ना, कि वृंदावन किधर है, वृंदावन किधर है, से चिल्लाते रहते थे किधर जाना है किधर जाना है। तो एक छोटा सा बच्चा आया, बोला आपको कहाँ जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोला अरे मैं वहीं का हूँ, पास में ही हूँ, आप ऑलमोस्ट आ गए हो, और मैं वहीं का एक चरवाहा हूँ, गाय चराता हूँ, और मैं मेरा गांव भी पास में, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको उस तरफ छोड़ दूँगा, तो मेरी आवाज़ सुनते सुनते मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो बिल्वा मंगल को वो बच्चा कहाँ तक छोड़ दिया, वृंदावन तक। फिर वो लड़का बोला कि आप तो इतने वृद्ध हो, इतने ऐसी स्थिति है, साधु हो, यहाँ वृंदावन में आए हो, क्या खाओगे पियोगे, ऐसा करता हूँ मैं आपको मेरे गाय का दूध देता हूँ। तो उन्होंने उसको दूध दिया। फिर वो रोज़ आता था लड़का और रोज़ इनको दूध देता था, और ये बिल्वा मंगल रोज़ कृष्ण भजन गाते थे, और वो लड़का वहीं बैठ के ये दूध पीते थे, कृष्ण भजन गाते थे, वहीं बैठ के सुनता रहता था भजन, शाम होने पे अपनी गाय लेके वापस जाता था। ऐसे बहुत दिन तक चल रहा था, है ना। तो बिल्वा मंगल एक दिन ऐसे ही जा रहे होंगे तो एक कुएं में गिर गए, अंधेरा कुआं था ना, सूखा कुआं रहता ना, तो उसमें ये गिर गए। तो उस दिन अब ये कैसे निकलें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये वो लल्ला लल्ला करके उसको बुलाने लगे, किसको, वो जो ब्रजवासी बच्चा था, है ना। तो उस दिन वो बच्चा आया, उसने सुना कि ये आवाज़ आ रही है और साधु तो अंदर गिर गए, तो वो अंदर जाके इनको हाथ पकड़ के और निकाला। आज तक इतने दिन हो गए, इन्होंने उसकी आवाज़ सुनी थी, उसका टच नहीं किया था, लड़का वाला चतुर था, वो रख देता था, टच नहीं होने देता था। आज चूंकि निकालना पड़ा कुएं से, तो उसका हाथ टच हो गया, प्रभु जी समझ गए, है ना। और बस बिल्वा मंगल ने ठाकुर ने पूछा कौन हो तुम, अरे मैं तो वही हूँ, रोज आता हूँ ना आपको, नहीं मुझसे नहीं बच सकते, कृष्ण हो ना तुम। तो जैसे ही बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण हो ना तुम, उसने हाथ छोड़ा और वो भाग गया। तब बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक भजन लिखा, हाथ छुड़ा के जय रहे है हृदय से भागो जानू ना, हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, मैं वृद्ध हूँ बूढ़ा हूँ,
अंधा हूँ, मेरा हाथ छुड़ा के भाग रहे हो इधर उधर, ठीक है, हृदय से भाग के दिखाओ, तब तो जानू कि तुम में कोई है ना। तो उस दिन, इतने दिन से भगवान के साथ में थे। तो बाद में फिर बिल्वा मंगल ठाकुर, बहुत स्टोरी तो बहुत बड़ा है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, अब कोई कहेगा कि अब आप समझ गए उनको साक्षात भगवान का वो हुआ है, और बाद में वो जो चिंतामणि जो थी है ना, अच्छा बिल्वा मंगल ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है कृष्ण कर्णामृत, जिसकी शुरुआत होती है शब्द से चिंतामणि। क्यों, चिंतामणि कौन थी, जिसने उसको दिशा दिखाई, तो उन्होंने वहीं से शुरू किया चिंतामणि से, चिंतामणि फिर सोमगिरी जो उनकी दीक्षा गुरु है ना, तो वहीं से शुरू किया। तो इन्होंने कृष्ण कर्णामृत लिखा है ना, और कृष्ण कर्णामृत माने कर्ण माने कानों के लिए जो अमृत है वो ग्रंथ है ना। चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ की खोज की थी, लुप्त हो गया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जाके ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत दो ग्रंथ की खोज करी है। तो चैतन्य महाप्रभु को एक कृष्ण कर्णामृत बहुत पसंद ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन भी आता है। तो कृष्ण कर्णामृत उन्होंने लिखा, उन्होंने गोविंद दामोदर स्तुति भी लिखी, आप लोगों ने सुना होगा, गोविंद दामोदर माधवेति, सुना नहीं है ना। तो ये अभी इसके कई वर्जन चलते हैं, बट ओरिजिनली ये उसमें ही आता है, अग्रे कुराणाम तव पांडवानाम है ना, इसको भी गाते हैं लोग अधिक मास में, कार्तिक मास में। और इन्होंने ये चौराग्रगण पुरुषाष्टक भी लिखा। तो कोई ये कह सकता है कि भाई चिंतामणि तो कोई ऐसे महान संत तो थी नहीं कि उसके एक वाक्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाए, ऐसा क्या है, है ना। तो चिंतामणि ने एक सेंटेंस बोला और बिल्वा मंगल ने लाइफ में यू टर्न मार लिया, तो फिर साधु के वाक्य का और एक वैश्या के वाक्य का क्या मतलब। कोई तो जनरली ये सुनते हैं कि एक वैष्णव के एक छोटे से संघ से, साधु संघ, लव मात्र साधु संघ से व्यक्ति का जीवन बदल सकता, पर यहाँ क्या हो रहा है, एक वैश्य। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, ये बहुत थोड़ा तो फिलॉसफी है लेकिन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। जनरली जो प्रीचर है उनको इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि होता क्या है कि बहुत दिनों से एक जन्म में, दो जन्म में वो कुछ ना कुछ एक्वायर करता रहता है ना, कलेक्ट करता रहता है, और फिर वो लास्ट जो चीज़ बची है ना थोड़ा सा, वो किसी ने ऐड कर दिया और बस उसको मोड़ने का पूरा जितना सुकृति या जो कुछ भी चाहिए था वो पूरा हो गया। पर वो कब से कर रहा था, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति को बहुत दिनों से कोई बोल रहा है जप करो, है ना, कीर्तन में आ रहा है जप कर रहा है, कीर्तन में आ रहा है जप कर रहा है, हैं, या उसके माता पिता भक्त हैं तो माता पिता रोज़ बोलते हैं बेटा जप कर, बेटा जप कर, वो नहीं करता है ना। फिर पर वो बचपन से सुन रहा है ना, प्रचार में जाता होगा, माता पिता उसको प्रसाद ही खिलाते हैं कभी, तो बचपन से ये चल रहा है। फिर अचानक कोई भक्त आए और उनसे एक दो बार चर्चा करी और बस प्रभु जी कल से मैं जप करूँगा, तो सबको लगता है अरे प्रभु जी आए वहाँ से और एक ही दिन में मेरे बेटे को जप करा दिया, प्रभु जी कितने महान है। तो ऐसा नहीं होता, होता क्या है कि वो इतने दिन से जो उसके माता पिता ने या उसके जो आसपास जहाँ भी वो कीर्तन में जाता होगा, उस मंदिर में जाता होगा, वो जो इतने दिनों से कई लोग उसके को दे रहे थे जो सुकृति, जो भक्ति, जो प्रयास कर रहे थे, वो होते 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 हो रहा था, है ना। और लास्ट वाला जो, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी तो जो लास्ट ब्रेक है वो किसी ने आके रख दी, तो लगता है सब कुछ। तो जो प्रीचर है उसको ये समझना चाहिए कि उसने लास्ट ब्रेक रखी है, उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि भैया मैं ही महान प्रीचर हूँ, मैंने ये, उसको पता होना चाहिए कि हो सकता है बहुत सारे भक्तों ने इस पर प्रयास किया है और वो बना के गए हैं लेवल, है ना,
जैसे वो लोहा पीटने वाला होता है ना, बहुत देर से कर रहे हैं, आपने लास्ट हिट मारा तो हमें लगता है हमने ही तोड़ा है ना, ऐसा नहीं है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है जो शुद्ध भक्त है ना, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है ना, तो चिंतामणि ने वो लास्ट जो ईंट थी वो लगा दी। पिछले जन्म में बिल्वा मंगल एक साधु थे, सन्यासी थे, है ना। ये दूसरा लेसन है, जो ये साधु थे तो इन्होंने, ये बहुत हाई स्टेज पे थे भक्ति में, भाव की स्थिति में, तो इन्होंने बिल्वा मंगल पिछले जन्म में जब ये साधु थे तो इनको ऐसे विचार आया कि हमें भंडारा कराना चाहिए, कथा भंडारा, सबको, सभी जो भी हैं सबको हम प्रसाद वितरण, पैसा नहीं था तो ये दान के लिए और ऐसे पैसे भंडारा कराना, तो पैसे के लिए ढूंढते ये पहुंच गए शमशान में जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं। तो उस दिन वहाँ पे क्या हुआ, एक जो राजा था उस जगह का, उस राजा की बेटी का अंतिम संस्कार था। राजा की बेटी 17-18 साल में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वो लोग उसके डेड बॉडी को लेके आ रहे थे। अब चूंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, तो उसकी जो डेड बॉडी थी वो पूरे से सजाया हुआ था, बड़े बड़े हीरे जवाहरात गहने हार आभूषण सब उसको पूरा सजा के वो लोग ला रहे थे। तो ये साधु ने सोचा, यार ये तो डेड बॉडी है, इसने तो कुछ करना नहीं गहनों का, और जलने के बाद भी ये गहने क्या होंगे, ये तो रह जाएंगे, डेड बॉडी जले गहने तो रह जाएंगे, तो ये ना आराम से वहाँ पे वेट करते रहे। तो जलाने के बाद लोग चले जाते हैं, तो पूरे ना नष्ट हो पाए, उसके बीच में इसने उनको क्या किया, निकालना शुरू किया। उसने कहा इससे अच्छा है कि हम उसमें लगाएंगे, है ना। तो वो जो लड़की थी, उस लड़की की आत्मा अपने शरीर से आकर्षण, थोड़ा रात हो रहा थोड़ा भूत की बात है, तो शरीर में आकर्षण होने की वजह से वो आत्मा उस चिता के ऊपर ही मंडरा रही थी, और जैसे ही बिल्वा मंगल ने ना वो गहने निकालने की कोशिश करे ना, वो प्रकट हो गई, सफ़ेद साड़ी कैंडल, है ना। तो वो प्रकट हो गई उसके सामने, उसको बोली कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो उसने बताया भाई कारण ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा एक काम करो, ये मत करो, और मैं तुम्हें बताती हूँ सॉल्यूशन, है ना। तुम मेरे पिताजी के पास जाओ, राजा हैं, और उनको बोलना कि जहाँ मैं सोती हूँ उस बेड के नीचे एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में मेरे फेवरेट वाली ज्वेलरी रखी है, है ना, सारी जो मैं सारी किटी पार्टी और बर्थडे पार्टी में पहनती थी, वो सारी ज्वेलरी कहाँ रखी है, जो मैं सोती हूँ उस बेड के नीचे एक बॉक्स में, और तुम जाके उनको बोलना और कहना मैंने कहा है कि दान में दे दो। तो बिल्वा ठाकुर ने कहा कि वो मेरा विश्वास क्यों करेंगे, तो उसने कहा ये किसी को नहीं पता कि ये ज्वेलरी कहाँ रखी है, और जब तुम बोलोगे और वहाँ मिलेगी तो उनको आपकी बात पे विश्वास होगा कि ये सही में ऐसा मैंने बोला है। तो उसने कहा ठीक है। तो ये साधु वहाँ पे राजा के पास गए, और राजा के पास जाने के बाद इन्होंने बताया, तो राजा ने कहा भाई हम पहले चेक करेंगे, चेक किया तो सही में वहाँ पे एक बॉक्स था। तो राजा ने कहा रे मेरी बेटी की इच्छा है, तो तुरंत दे दिया, और तुरंत देने के बाद इन्होंने ला के अच्छे से क्या किया, कथा भंडारा सब कराया। तो कई बार क्या होता है कि अच्छे से होने के बाद हमें लगता है वो और कराऊं, है ना, तो इनको भी लगा कि और कराऊं, अभी कुछ लोग बच गए हैं जो भी है, तो इन्होंने कहा कि अब कैसे करूं, अब वो वाले लेके आता हूं जो चिता में पड़े थे। तो ये वो लेने चले गए, तो जब इन्होंने वो लेके यूज़ किया तब वो आत्मा फिर से आई और बोली मैंने तुमसे बोला था कि इन्हें नहीं लेना है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें मदद भी करी फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जो है, चूँकि तुम ये लड़की का चुरा रहे हो ना, तो अगले जन्म में तुम वुमेन हंटर बनोगे, वैश्याओं के आसपास घूमने वाले व्यक्ति बनोगे। वो साधु से कहाँ पहुँच गया, इस स्तर पे। तो अगले जन्म में वो बिल्वा मंगल ठाकुर बने, और वो इन वैश्याओं के चक्कर में रहते थे, और वो लड़की, वो राजकुमारी चिंतामणि बनी, और फाइनल इंस्ट्रक्शन देने के लिए वहाँ थी,
है ना, कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वृंदावन। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर की शॉर्ट में स्टोरी थी जिसमें पूरा समय चला गया, है ना। उन्होंने चौराग्र गण्य पुरुषाष्टक लिखा है ना, ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपागना नाम चुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। पहला श्लोक है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। ब्रजे प्रसिद्धम, ये प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं किसको, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, पूरे ब्रज में सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध एक है चोर, क्या चुराता है, नवनीत चौरम, नवनीत माने मक्खन चुराता है, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, मतलब यहाँ पे ना इस चोर के बारे में चर्चा है क्या क्या चुराता है। पहली चीज क्या चुराता है, मक्खन चुराता है, मक्खन चुराने के लिए पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है, मक्खन ही नहीं गोपियों के वस्त्रों को भी चुराता है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो इनके पास आता है उसने अनेक अनेक जन्मों में जो पाप किए हैं उन पापों को भी चुरा लेता है, है ना, भाव बिल्व मंगल का, मक्खन चुराता है, गोपियों के कपड़े चुराता है, और जो इनके पास आता है उसके अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए कलेक्ट किए हुए पापों को भी चुरा लेता है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में सबसे आगे जो है उन पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधिकायाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम पादाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्र गण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज में फेमस है मक्खन चुराने के लिए, गोपियों के कपड़े चुराने के लिए, और जो अनेक जन्मों में पाप किए उनको भी चुरा लेता है। इसके साथ साथ क्या चुराया, श्री राधिका या हृदय से चौरम, श्री राधिका का श्रीमती राधा रानी का हृदय भी चुरा लिया है ना। नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, या समझ में आ रहा है ना आपको, राधा रानी का हृदय किसने चुराया है, और नवाम्बुद श्यामल नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, इतना ही नहीं राधा रानी का हृदय तो चुराया, इसके साथ साथ जो बारिश के मौसम में आप बिल्वमंगल का भाव देखिए, बारिश के मौसम में जो नया नया बादल निकलता है उस बादल की कांति को भी चुरा लिया है। श्याम कांति रहती ना मेघवर्ण, तो उसकी कांति को भी। अगली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, पादाश्रिता नाम चा समस्त चौरम, जिन्होंने पादाश्रित माने जिन्होंने इनके चरण कमलों में क्या सहारा लिया है, है ना प्रभु जी, जिन्होंने इनके चरणों में अपना आश्रय बना लिया है, पादाश्रिता नाम, सभी लोग जिन्होंने कृष्ण के चरणों में अपना आश्रय बना लिया है उनका क्या चुराते हैं, समस्त चौरम, उनका सब कुछ चुरा लिया है, उनका सब कुछ चुरा लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते बेचारे के पास, है ना। अकिंचनानि कृत पादाश्रितम या करोति भिक्षुं पतिकेह हीनम् केनापि अहो भीषण चोरद्रेग दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रेपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकिंचानी कृत पादाश्रितम या, जो इनके चरणों के शरण में आए उसका सब कुछ चुराते हैं, करोति भिक्षुं पतिगेह हीनम, और उसको क्या बनाते हैं, करोति भिक्षु, उसको क्या बना देते हैं, आएंगे ये लोग, अगली बार कोई आएगा
उसको भिखारी बना देते हैं, करोति भिक्षुम, है ना, पहले तो सब चुराते हैं फिर भिक्षुक बनाते हैं। उनका भौतिक धन, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सब कुछ चुरा लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। गेहहीनम, घर वर सब छीन लेते हैं, उधर कैसे हंस रहा है ना। केनापि अहो भीषण चौर इद्र दृष्टा श्रुतो वा न जग, ऐसे चोर के बारे में ना सुना ना देखा आज तक, है ना। यदि ये नामापि हरत शेषम गृह प्रसारण पापराशिम आश्चर्य रूपो ननु चौर दृग दृष्टा श्रुतो वा न मया कथा। ऐसा चोर कि यदि ये नामापि हरति अशेषम, इफ वन ओनली हियर्स हिज नेम ही टेक्स अवे ऑल हिज, अगर कोई एक बार भी उसका नाम लेता है, सब कुछ चुराने के बावजूद अगर कोई उसका एक बार नाम ले ले तो उसके सारे पाप को चुरा लेता है। कैसे पाप? गिरी प्रसारण अपि पाप राशिं, गिरी माने पहाड़, पहाड़ जैसे बड़े पर्वत के समान जो उसके पाप हैं, कितने जन्मों में उसने इतने पाप इकट्ठे कर लिए, पर्वत जितने, उसको उसके एक नाम लेने से उन सभी पापों को क्या कर लेता है, अपना ख़त्म करता है, चुरा लेता है। एक नाम, सिर्फ हरि नाम से पर्वत जैसे जो पाप हैं हमारे वो ख़त्म हो सकते। और दृष्टा आश्चर्य रूपो ननु, ऐसे चोर के बारे में बड़ा आश्चर्य, और ऐसा चोर के बारे में हमने आज तक ना सुना और ना देखा। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि पर्णं सहित्वा मम सर्व एवं पलायसे कुत्र धृतोद्य चोरा तुम भक्ति दाम नासी मया निरोधा। अरे ओ चोर, ये सब कुछ जो मेरा चुराया है, धनम धनम च मानम च तथेन्द्रियाणी, बिलो मंगल ठाकुर लिख रहे हैं ना, मेरा धन चुराया है ना, बैंक बैलेंस, मनी, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब तुमने ले लिया। मानम, नेम फेम प्रेस्टीज, जो समाज में थोड़ी बहुत वैल्यू थी, सम्मान था, वो भी मेरी सब छीन ली। चा तथेन्द्रियन, और मेरी इंद्रियां भी, बिल्वांगल ठाकुर की तो आंखें भी ले ली है। इतना चुराने के बाद, अब चोर है तो कह रहे हैं इतना सब कुछ चुराने के बाद कहाँ भागोगे, कहाँ है, मैं तुम्हें पकड़ जरूर लूंगा, है ना, इतने महान चोर हो फिर भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और तुम मेरे से बच के जाओगे कहाँ, पला यसे कुत धृतो दी चौरा, मुझसे भाग के कहाँ जाओगे, क्यों, मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो, और साथ साथ मैं तुम्हें, तुम भक्ति दामनासी मया निरुद्धा, दाम माने ना, अभी अभी दामोदर लीला चल रहा है ना, कह रहे हैं कि तुमने सब कुछ चुराया, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, सब कुछ मेरा चुरा लिया, लेकिन चुराने का भागो कहाँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और कैसे बांधूंगा, तुम भक्ति दामनासी मया, मैं तुम्हें अपनी भक्ति के रस्सी से, अपने प्रेम की रस्सी से बांध लूंगा, है ना। छिन्तसि घोरं यं पाशबन्धं भिन्तसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। अब इतना सब कुछ बोल रहे हैं कि तुम सब कुछ चुराया है और मैं तुम्हें अपने प्रेम की रस्सी से बांध लूँगा है और तुम भाग नहीं पाओगे, तो हो सकता है भगवान कहें कि अरे तुम्हें पता नहीं मेरी पावर है ना, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं
यमराज की रस्सी को भी काट, यमपाश सुना ना आपने, है ना, यम का जो बंधन है, यमराज, यमराज आते भैंस के ऊपर बैठ के, है ना, भैंस के दूध पीने वालों के लिए इससे जल्दी आसानी हो जाती है, भैंस पे बैठ के यमराज आते हैं और उनका रस्सी को कोई नहीं काट सकता। तो भगवान हो सकता कहते हैं अरे तुम्हें क्या, कौन सी रस्सी से बांधोगे, मैं यमराज की रस्सी को भी काट सकता हूँ, है ना, और मैं ये जो भौतिक जगत का जो बंधन है इस रस्सी को भी काट देता हूँ, तो तुम्हारी रस्सी क्या काम करेगी। तो क्या कह रहे हैं, छिंतस्सी घोरम यम पाश बंध, हो सकता है तुम यमराज के, ठीक है, यम के बंधन को तुम काट देते हो, ठीक है, और भिंतसी भिन्नम भव पाश बंध, भव भव सागर का जो बंधन है उसको भी तुम काट देते हो, ठीक है, लेकिन छिंतसी सर्वस्व सम, और तुम सारे बंधनों को भी काट सकते हो, नैवात्मनो भक्ति कृतम तुम, लेकिन तुम ये भक्ति के बंधन को कभी नहीं काट सकते। तभी तो यशोदा माता के बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं भगवान, है ना, बलराम जी से कह रहे हैं, वो भी नहीं काट पा रहे, बलराम जी बोल रहे हैं मैं संकर्षण के रूप में मैं पूरे में आग जला देता हूँ, सब खत्म कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे माता के द्वारा बांधी हुई रस्सी को ना तो बलराम जी खोल पा रहे हैं ना कोई खोल पा रहा है, कृष्ण स्वयं इसलिए कह रहे हैं हो सकता है तुम यमराज के बंधन को काट देते हो, यम की रस्सी को, भवसागर के जो बंधन है उसको भी काट देते हो, लेकिन तुम मेरे जो भक्ति का जो बंधन है इसको कभी नहीं काट सकते। सातवां श्लोक में मनमानसे तामस राशि घोरे काराग्रहे दुखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय सौचौर्य दोषी चितम एव दंडम। अब चोर को बांध लिया है ना, भक्ति के बंधन में रस्सी में चोर को बांध लिया है, अब बांधने के बाद क्या करते हैं उसको, चोर को बांधने के बाद क्या करते हैं, दंड देते हैं और जेल में भेजते हैं ना, है ना, काला पानी, काल कोठरी। तो कह रहे हैं अरे ओ महान चोराग्रगण्यम, चोरों में सर्वश्रेष्ठ ओ चोर हरि, है ना, हरि का मतलब होता है समस्त जो अमंगल हर ले, है ना, उसे कहते हैं हरि, है ना, मैं तुम्हें अब रस्सी से तो बांधा है, अब मैं तुम्हें रस्सी से बांधने के बाद सबसे जो काला जेल है उसमें बंद करूंगा। मन मानसे तामस राशि घोरे काराग्रहे दुख मये नहीं बनता, जो मेरा हृदय रूपी जो काल कोठरी है जिसमें काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब भरा हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है ना, उसका स्कूल में बोलते तमसोमा ज्योतिर्गमय ना, इसका अंधकार से प्रकाश की उलझो, हमारे हृदय में इतना अंधकार है ना, तो वो कह रहे हैं कि इतने घरे घनघोर अंधकार वाले इस हृदय में मैं तुम्हें कैद करूंगा, क्योंकि चोर को कहाँ रखते हैं, बिल्कुल काल कोठरी में, कोई वहां वो न जाए, तो कह रहे हैं मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा, काराग्रह दुख मये निबद्धा, और यही जेल तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, है ना, मैं तुम्हें इस हृदय मेरे हृदय रूपी काला जो जेल है, आप समझ रहे हैं ना इसके भाव को, है ना, फिलासफी बहुत ज़्यादा है लेकिन आप समझ पा रहे हैं ना, ये मेरा जो हृदय है जो इतना गंदा है, इस हृदय रूपी जेल में मैं तुम्हें कैद करूँगा, किसको वो थोड़ा पूछना पड़ेगा, लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, और कौन का बोल रहा है ये, बोले मैं तुम्हें दंड तो दूंगा और ऐसा जेल में डालूंगा जो मेरा हृदय है, क्यों, ये सबसे काला है है ना, और कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा हमेशा के लिए इसी हृदय में कैद रखूंगा, है ना, और कभी भी यही तुम्हारे इन जितनी तुमने चोरियां करी हैं, क्या क्या चुराया, सबसे पहले मक्खन चुराया, गोपियों के कपड़े चुराए, और जो इनके पास आया उसके सभी पाप चुराए, राधा रानी का हृदय चुराया, है ना,
और जिसने चरण में आश्रय लिया उसका तो सब कुछ चुरा लिया, धनम च मानम च सब कुछ चुरा लिया। तो इन सब चोरी करने के बाद तुम्हारी सबसे अच्छी सजा, सबसे बढ़िया दंड तुम्हारा क्या है कि तुमको मेरे इस हृदय में, इस काले हृदय में हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। कारागृहे वस्सदा हृदये मदीये मदभक्तिपाश दृढ़बन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चौरा हृदयान् हि मोचयामि। अब जब मैंने तुम्हें अपने प्रेम रूपी भक्ति रूपी रस्सी से बांध लिया है और मेरे हृदय के कारागृह जेल में तुमको कैद कर लिया है, अब क्या करो तुम, यहाँ आराम से यहीं रहो, है ना। अब तुम मेरे इस भक्ति रूपी, इस प्रेम रूपी स्ट्रॉन्ग बंधन से कभी भी छूट नहीं सकते। अरे ओ कृष्ण, तुमने सब कुछ चुराया होगा मेरे से, तुमने मेरे भौतिक चीजें, मेरा नाम, मेरा ऐश्वर्य, मेरी सुंदरता, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के जन, मेरा हृदय, मेरा मन, सब कुछ चुरा लिया है। इसलिए इतनी एक के बाद एक के बाद एक इतनी चोरियां करने के बाद तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा दंड है, आराम से अब इसी जेल में पड़े रहो। और भगवान शायद कहें कृष्ण कि भैया कुछ तो रहन करो, कभी तो छोड़ोगे मुझे यहाँ से, कब छोड़ोगे जेल से। एक एक लिमिट होती है ना, 25 साल का कारागार है, 20 साल की जेल, एक लिमिट तो होती है कि भैया इतने समय बाद तो निकालेंगे जेल से। तो क्या कह रहे हैं, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। त्वम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, करोड़ों करोड़ों प्रलय होने के बाद भी मैं तुम्हें मेरे हृदय के जेल से, कारागृह से निकलने नहीं दूंगा। क्यों, तुम्हारी इन चोरियों की तुम्हें सबसे अच्छी सजा यही है। माखन चोर, कपड़ा चोर, राधा रानी का हृदय चोर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। तो कोई एक माता जी बोल रही थी कि जब उन्होंने ये कथा सुनी, बहुत जब स्कूल में थी जो महाराज कथा सुना रहे थे उनसे, वो 6th 7th में होंगी, तो 6th वाले हैं यहाँ पे, तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज ये तो खतरनाक प्रार्थना आपने बता दी, तो सभी कुछ ले जा रहे हैं, तो मैं अभी नई नई आई हूँ इस्कॉन में और मुझे भक्ति करना अच्छा लग रहा है, भक्ति में मेरा मन भी लग रहा है, अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर ये सब होने वाला है मेरे साथ तो मैं थोड़ा डर सा लग रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, है ना। तो महाराज ने बोला कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, उनका 6th क्लास। 6th क्लास में एग्ज़ाम होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं, 6th क्लास में जब एग्ज़ाम होता है तो आपको 6th क्लास का क्वेश्चन पेपर मिलता है या 10th क्लास का? 6th का। तो जब आपको 6th क्लास में 6th का क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि आप अभी उतना ही क्वेश्चन पेपर क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको कभी भी 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से ये चूंकि तो शुद्ध भक्त हैं, लीला शुक है ना, भगवान इनके साथ साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इसलिए इनका भाव ऐसा है, सब कुछ चुरा लिया। तो महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, जब हम 10th तक पहुंच जाएंगे तब 10th का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना। तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना टफ एग्जाम हमें देना पड़ेगा, है ना। शुरुआत में कम नुकसान, बाद में ज़्यादा नुकसान, है ना। भागवतम में कई वर्ष हैं, प्रभुपाद ने जहाँ जहाँ अपना बिजनेस डाला वहीं नुकसान, सारा पैसा डूब जाता था। तो
एक बार कृष्ण और अर्जुन साथ साथ जा रहे थे रथ में, तो कहीं जंगल से निकले, तो उस दिन थोड़ा बारिश वारिश हुई, थोड़ा थकान था, तो उन्होंने देखा आसपास कहीं रुक सकते क्या, तो देखा एक हट थी वहाँ पे, है ना, झोपड़ी। तो उस झोपड़ी में गए, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, तो कृष्ण अर्जुन ने उनसे थोड़ी बातचीत करी, वहाँ पे रुके। तो उस औरत ने कृष्ण को बढ़िया सेवा किया और गाय का दूध पिलाया और अच्छे से रखा, और समय होने के बाद कृष्ण अर्जुन वहाँ से चले गए। तो अर्जुन ने सोचा भगवान तो जनरली कोई उनको कुछ भी करे तो भगवान बदले में बहुत कुछ देते हैं, पर इस बूढ़ी औरत को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इतना उसने सेवा किया कुछ भी नहीं दिया। तो अर्जुन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, उनको पूछ ही लेता हूँ। तो पूछा भगवान आप तो जनरली देते हो, कोई कुछ कर दे आपके लिए तो आप तो बहुत देते हो बदले में, ये औरत ने तो आपका इतना सेवा किया और इसको आपने कुछ नहीं दिया। बोले नहीं नहीं मैंने दे दिया। अर्जुन ने क्या दिया? बोले मैंने उसको अपनी कृपा दी है और उस कृपा के फलस्वरूप कुछ दिन बाद उसकी गाय मर जाएगी। हैं कैसी कृपा है भाई? तो हाँ उसकी गाय मर जाएगी कुछ दिन बाद, यही मेरी कृपा है। तो अर्जुन कहते अरे भगवान कुछ तो बताओ आप, ऐसी ये कृपा तो नहीं लग रही मुझे भाई, ये तो मुझे उल्टा लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली में ना ये जो स्त्री है इसकी गाय में बहुत आसक्ति है, है ना, आसक्ति समझते ना गाय में, जैसे भरत महाराज की आसक्ति किस में हो गई थी, हिरण में, हाँ अटैचमेंट। तो इसकी आसक्ति इस गाय में बहुत ज़्यादा है और कुछ दिन बाद इस बूढ़ी औरत का उम्र हो रहा है, है ना, इसकी मृत्यु है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, तो इसका जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन इसकी आसक्ति गाय में बहुत ज़्यादा है, तो ये मरते समय ये पक्का गाय के बारे में सोचेगी। और मैंने तुम्हें गीता में एक और चीज़ बताई है, याद है कि नहीं? तो उनका याद है, क्या है? जो सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। उदाहरण के लिए भरत महाराज, तो उन्होंने कहा ये अंतकाल में इस गाय के बारे में सोचेगी और ये क्या बन जाएगी, और इसने मेरी सेवा करी और मैं इसको भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ गोलोक, है तो अब इस गाय को तो हटाना पड़ेगा ना रास्ते से, तो कुछ दिन में इसकी गाय मरेगी और फिर तो इसके पास आसक्ति रहेगी नहीं गाय से, मर गई अब क्या आसक्ति, पहले ही मर गई गाय, तो ये आराम से एक ही आसक्ति है और इसकी गाय, वो मैंने खत्म करने देनी है और फिर ये आराम से गोलोक जाएगी। तो भगवान का प्लान बहुत लॉन्ग टर्म है, भगवान का हमारे प्रति जो प्लान है वो पूरा क्लियर है, उन्हें एक ही चीज चाहिए हमसे, क्या, हमको गोलोक ले जाना है, है ना, ज्यादा कृपा करेंगे तो शॉर्टकट मारेंगे, नहीं तो धीरे धीरे, है ना। तो ऐसे डरना नहीं है कि भगवान इतनी खतरनाक कृपा कर देंगे, है ना। 10 स्कंद 10 14वां अध्याय 8वां श्लोक शायद, तत्तेनुकंपा सुश्रुक्षमाना, बहुत फेमस वर्स है, उसमें बता रहे हैं भागवत कहती है कि जो व्यक्ति जीवन में आए समस्त कष्टों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है और अपनी सेवा में भक्ति में लगा रहता है वो भगवत धाम जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका अधिकार बन जाता है, जाएगा करके नहीं बोल रहे हैं, ये भगवत धाम जाना उसका क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है, ये उसका अधिकार है ना, राइटफुल, है ना, उसका अधिकारी बन जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी हो रहा है हमारे साथ अच्छा बुरा सबको भगवान की तत्तेनुकंपा, उनकी कृपा उनकी अनुकंपा मान के स्वीकार करके और अपनी भक्ति में कभी भी हम डाउन ना हो, इस बात को, भक्ति हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, यानी कि अब कुछ हो गया तो हम भक्ति छोड़ देने, है ना, उसको हर चीज़ को कृष्ण की कृपा मानकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।